शादी जिंदगी से ना शांति खत्म हो गई। तुम लोगों को खरी टिप्पणी दे रहे हैं भाई, शादी विधि मत करना पछताओगी। ये चिकन चिकन अपन जाते ना लेने, तभी कैसा होता है कि एक पिंजरे से निकलता है मस्त पैकी कटता है, कटता है कि नहीं कटता है। शादी के बाद अपनी जिंदगी भी ऐसी ही है, कब कौन किधर से आके काट ले कुछ समझ ही नहीं आते। पीठ पीछे बिरयानी बन जाती है, अंगूठा लगवा ले। क्या भाव, क्या बात कर रहे हो यार? अरे सच बोल रहे, नहीं मेरे साथ हो रही है सचिन। अरे बाबा तू, मैं तुझसे नाराज या गुस्सा नहीं सच, लेकिन तुझे घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। सचिन ने कुछ गलत किया तो उसे सुना, चिल्ला उस पर, उसको डांट, जो करना है उसे कर, लेकिन घर में मैंने तुझे पहले भी कहा घर छोड़ना ये किसी समस्या का हल नहीं। समझ रहा बाबू ने क्या बोला? इसके बाद तू अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा करके घर पे आएगी ना तो घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी मैं। बाबू मैं चलता। अरे बहनी अभी तो आप आइए कुछ चाय। बाबू मैं सहेली को छोड़ने ही आई थी, चलते वो जवाई बाबू। नहीं मैं उससे बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, नमस्ते। देख बात, सचिन ने अभी तक तुझे समझा, लेकिन तुझे सचिन को समझना। तो अगर उसे छोड़कर जाएगी तो उस चीज का वो फायदा उठाएगा, तुझे उसे सही राह पर लाना है, समझे? सचिन ने अपने दोस्त के सामने उतारा शायली पर गुस्सा, शादी को लेकर कही खरी खोटी बातें। शायली के पिता ने दी बड़ी नसीहत, अपने पति के साथ शायली को बितानी चाहिए जिंदगी। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं उड़ने की आशा टीवी सीरियल की, जिसका आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। शो के ऑन लोकेशन से लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट, जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से शायली अपने पिता के घर चली जाती है और सचिन से नाराजगी जताते हुए नजर आती है। वहीं पे दूसरी ओर सचिन भी शायली से बहस के बाद काफी ज्यादा नाराज है और अपने दोस्त के सामने अपने दिल की सारी गुब्बारों को निकालते हुए नजर आ रहा है और शादी को एक गलत चीज बतलाते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब जहां सचिन का दोस्त सचिन की आंखें खोलता है और शायली के साथ रहने की बात कहता है, तो वहीं पे शायली का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं शायली के पिता और शायली को सचिन के साथ रहने की नसीहत देते हैं। इसी के साथ घर वापस लौटने का कहीं ना कहीं शायली फैसला करते हुए दिखाई पड़ती है। वेल तो इस पे क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट के जरिए बताएं, साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।